हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ अडेनियम प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि आप लोगों के संग मैंने रिपोर्ट किया था। ये चार प्लांट मैंने आप लोगों के संग रिपोर्ट किया था और अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, शायद 3 से 4 दिन हो रहे हैं अप्रॉक्स। और ये दोनों प्लांट्स को मुझे रिपोर्ट किए हुए 15 डेज हो चुके हैं और इनमें भी न्यू ग्रोथ आ चुकी है। और हम इनमें मतलब कि जब रिपोर्ट किए थे, काफ़ी टाइम तक न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र दिया था जिससे कि इनमें न्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा निकल के आया है। और वही सेम फर्टिलाइज़र हमने इस प्लांट में यूज़ किया हुआ है। जब हम फर्स्ट वाटरिंग किए थे तब मतलब उसी में थोड़ा सा मिक्स कर दिए थे, जिससे कि इन प्लांट्स में भी आप देखिए ग्रोथ अभी 3 दिन हो रहे हैं अप्रॉक्स रिपोर्ट किए हुए, कल नहीं परसों, हाँ 3 दिन हो रहे हैं रिपोर्ट किए हुए। और देखिए सभी ब्रांचेस में ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, छोटे छोटे से शूट्स डेवलप हो चुके हैं। और ये देखिए सारे स्टेम में छोटी छोटी आई शूट्स डेवलप हो चुकी हैं। और ये देखिए ग्राफ्टेड प्लांट में भी ग्रोथ आ चुकी है। और ये देखिए मतलब ये बोल सकते हैं कि ये फर्टिलाइजर ऐसा है कि आप रिपोर्ट करिए और रिपोर्टिंग के 2 दिन बाद आप दे सकते हैं। और देने के बाद जो आपका अडेनियम प्लांट्स होता है उसमें रूट डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और रूट डेवलपमेंट जब बहुत अच्छा होगा तो ऑलरेडी है कि नॉर्मल सा है कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रोथ करेगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से जब ग्रोथ कर जाएगा, प्लांट स्टेबल हो जाएगा, तो उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मेरे सभी प्लांट्स में ग्रोथ हो चुकी है। और सेम यही प्रॉब्लम मेरे कुछ और प्लांट्स में हुई थी जो कि यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए शेड में अभी रखा हुआ है, बारिश में अभी शिफ्ट नहीं किए हैं। और यहाँ पे जो इनको सनलाइट मिलती है, नॉर्मली सनलाइट 1 से 2 घंटे की मिल जाती है, लेकिन अभी मेरे यहाँ कल से बारिश स्टार्ट हुई है तो उससे यहाँ पे धूप अभी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बारिश का पानी भी इनको नहीं मिल रहा है, जो हम वाटरिंग करते हैं वही भर इनको मिलता है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं। इनको रिपोर्ट किए हुए मुझे 1 मंथ अप्रॉक्स हो चुका था और 20 दिन तक मैंने वेट किया, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया और इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ निकल के आ चुकी है। और अब हम इनको धीरे धीरे बारिश में भी शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी बन चुके हैं और कॉटेक्स भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि आप साइज़ देख सकते हैं। तो अब इनको हम टेरिस पर बहुत ही जल्दी शिफ्ट करेंगे। बारिश में रहेगा तो प्लांट्स और भी अच्छा ग्रोथ करेगा, जैसे कि बारिश के टाइम में सभी प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए हम फ्रेंड बताते हैं आपको कि हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं अपने सभी अडेनियम प्लांट्स में, मतलब जो नए रिपोर्ट किए हुए हैं, जिससे कि इतनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सीड पॉट लगे हुए अडेनियम प्लांट्स को भी रिपोर्ट कर दिया है और सीड पॉट में भी कोई इफेक्ट नहीं आया है और सीड पॉट मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी बना हुआ है, जबकि प्लांट को निकाल के मैंने 3 से 4 दिन रख दिया था, क्योंकि मैंने थर्सडे या फ्राइडे को निकाला था और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। आई थिंक हम थर्सडे को निकाले थे और रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। संडे को फिर मैंने रिपोर्ट किया था, लेकिन प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और रिपोर्टिंग के तुरंत बाद तो हम इस फर्टिलाइज़र को नहीं दिए थे, नॉर्मल वाटरिंग किए थे 3 से 4 दिन के बाद, लेकिन प्लांट सेटल नहीं हो पाया था तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस फर्टिलाइज़र को दिया और प्लांट में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ निकल के आई है, जो कि आप देख सकते हैं, और सीड पॉट भी बहुत ही अच्छा तरीके से हेल्दी बना हुआ है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हम कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो कि हम यूज़ किए हैं। और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कहें तो हम अपने सभी अडेनियम प्लांट्स में अक्सर ही करते रहते हैं, मतलब जब भी हमें ऐसा लगता है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे अपने अडेनियम प्लांट्स में, तो हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट वेव वाली गर्मी पड़ती है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करिए, या किसी भी मौसम में आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फुल ऑर्गेनिक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसका कि यूज़ हम अपने अडेनियम प्लांट्स में करते हैं। ये मुझे मार्केट में Crop21 के नाम से मिलता है, जो कि बायो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लिखा भी है, फुल ऑर्गेनिक है। और इसको हम ह्यूमिक एसिड बोलते हैं, और ह्यूमिक एसिड बोलेंगे तो आपको ये मिल जाता है। और ये आपको अडेनियम प्लांट्स में बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं, हम इसको 5 डेज के गैप पे दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम है तो मीडिया ड्राई नहीं हो पाती, मतलब पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है, लेकिन हम बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए कितना यूज़ करना होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम पानी लिए हैं वो आप देख सकते हैं,
कि एक गिलास पानी मैंने लिया हुआ है, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें अभी कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है। मैंने स्पून लिया है मैंने कि स्पून से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे जो हम प्लांट वाटरिंग करेंगे, वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स डेवलपमेंट हुआ नहीं है और वेदर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल है। तो जो भी पानी हम देंगे हिसाब से देंगे ताकि प्लांट्स में कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वेदर में। और ये देखिए हम एक गिलास पानी में इतनी सी क्वांटिटी यूज़ करते हैं और इतनी क्वांटिटी में ही बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। अगर आप लोग भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं प्लांट्स। तो चलिए देखिए हम पानी में मिक्स कर दे रहे हैं और ये देखिए 2 मिनट में अपने आप ही ये डिज़ोल्व होने लगता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही पानी में ये गया और ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो चुका है। हल्का सा हम स्पून से इसको हिला देंगे, ये नॉर्मली घुल जाएगा। आपको ग्रेनुल्स फॉर्म में भी मिल जाएगा ये, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कुछ ह्यूमिक एसिड ऐसा होता है जिसका की मात्रा बहुत तेज़ होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि मतलब कि आपको बहुत थोड़ा सा यूज़ करना होता है। अभी देखिएगा मैंने कितना थोड़ा सा यूज़ किया है, 1 ग्राम से भी कम यूज़ किया हुआ है। और देखिएगा अभी पानी पूरी तरीके से फुल ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ये देखिए मैंने इसको हिला दिया और आप यहाँ पे पानी देख सकते हैं फुल ब्लैक हो चुका है। तो बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी इसको यूज़ करना होता है। और इन दो प्लांट्स में तो मैं हमें कल या परसों यूज़ करी हूँ, तो इसलिए हम इन प्लांट्स में नहीं डालेंगे। हम ये 4 प्लांट्स में डालना है मुझे, तो इसलिए मैंने केवल 1 गिलास पानी बनाया हुआ है और इसी को हम इस प्लांट में देने वाले हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। और ये देखिए थोड़ा सा पानी देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रहा है तो वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें भी यूज़ कर लिया और थोड़ा सा ही हम इसमें भी यूज़ करेंगे। ये देखिए और 1 गिलास पानी में मेरा इतना पानी बचा हुआ भी है, तो हम अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं, वैसे नहीं देंगे क्योंकि इस टाइम अगर थोड़ा सा भी वाटरिंग ज़्यादा होता है और फिर बारिश, मतलब बारिश में तो हम रखे नहीं हैं, शेड में रखे हुए हैं, लेकिन अगर बारिश हो गई ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस टाइम पे बारिश के मौसम में अगर आप लोग इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं या फिर पानी दे रहे हैं तो थोड़ा हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर मीडिया बहुत जल्दी ड्राई नहीं हो रही है क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे और जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें भी दे देंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन हो चुका है इसमें दिए हुए पानी। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपके भी प्लांट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अगर आपने न्यू रिपोर्ट किया हुआ है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार और पिक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए क्रॉप 21 के नाम से मेरे यहाँ मिलता है। आप कोई भी एग्रीकल्चर की शॉप से ह्यूमिक एसिड बोल के इसे ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है अडेनियम प्लांट्स में। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।